नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। रीवा के संभाग जिला सतना क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव की ओर से रास्ते का काम करवाया गया है, लेकिन अभी तक उनका पैसा नहीं निकल पाया है और ये पैसा ग्राम पंचायत सरपंच के खातों में है। अब देखना होगा कि अधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई होती है। सतना देवरा क्रमांक 2 पंचायत सचिव द्वारा भारी भ्रष्टाचार, पंचायत सचिव के कारण ग्राम पंचायत का विकास कार्य ठप, रोड पीसीसी नाली का भुगतान मूल्यांकन के बाद भी नहीं किया गया, जबकि कार्य को पूरे हुए 8 महीने हो गया है। मुक्तिधाम, पुलिया, सुदूर रोड, मजदूरों, चपरासी, पंच, सरपंच का मानदेय आज तक नहीं मिला। स्थानीय सचिव होने के कारण लोगों को डरा धमका कर पैसा लिया जाता है। ग्राम पंचायत के कार्य में भेदभाव तरीके से किया जाता है और पंचायत में कभी उपस्थित नहीं रहते हैं। इसी के साथ ग्राम सभा पंचायत की बैठक भी मनमानी तरीके से अपने घर में लिखते हैं, जिसमें गरीब लोगों को शासन की जन कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सचिव को ग्राम पंचायत से हटाकर ग्राम पंचायत का विकास कराया जाए। अगर ग्राम पंचायत सचिव को नहीं हटाया गया तो सरपंच और ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। बिहार केवट सर दिव्य के ग्राम पंचायत है। क्या समस्या आ रही है? समस्या या साहब, 60 साल के हो गए, हमारी पर्ची नहीं बनी, सिर्फ 5,000 रुपए कहते हैं लोग, सिक्योरिटी लोग। कौन मांगते हैं 5,000? अरे जो एन है सर। क्या नाम? वो तो नहीं मांगा, हम सिर्फ बिना मांगा। बिना कौन है? यही सिकेट है, रोजगार सहायक। हाँ, यही के छोटा सिकेट है। आज तक पर्ची नहीं मिली सर, हमें बड़ा घाटा हुआ। चार छठे लड़के खाद्यान्न पर्ची बनाने के लिए 5,000 रुपए मांगा जाता है। हाँ, कहाँ से पाली साहब, नहीं माना जा सकता साहब। और आपने खाद्यान्न अधिकारी से कभी नहीं गए? नहीं मिला। रोड पर रोहित तिवारी, किस ग्राम पंचायत से? देवरा का। क्या यहाँ की क्या समस्या? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या सचिव की है। हमारे यहाँ सचिव द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा। हमारे यहाँ 55-60 लाख रुपए पंचायत में पड़ा है। ये रोड बनी है तो मन कच्ची रोड है इनका, जो रोड बन गई है उनका पैसा नहीं निकला। हम लोगों ने उसमें मजदूरी की है, हम लोगों का पैसा तक नहीं मिला आज तक के लिए। यहाँ कम से कम ऐसे कई रोड हैं कि एक पानी टोला, यहाँ आदमी को पैदल जाने में बहुत दिक्कत आती है। मुगानी टोला, यहाँ पैदल जाने में दिक्कत आती है। आप चल के देख लीजिए, ये सड़क सबसे गंदी सड़क है। इसकी जानकारी क्या उच्च अधिकारी को आपने कभी? इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को हो चुकी है, जनपद सीओ हुई है, जिला पंचायत सीओ हुई है। कहाँ कहाँ आपने इसकी शिकायत की? इसकी शिकायत जिला पंचायत सीओ को भी हुई है, जनपद पंचायत सीओ। आश्वासन क्या मिला? वहाँ से कुछ नहीं, वहाँ कुछ कागज जाता है और वो डब्बा जो होता है उसमें डाल दिया जाता है। हमें लगता है ऐसा कोई रिलेशनशिप है जिला पंचायत सीओ से उनका। आपने आपने संभागीय कमिश्नर जी को कभी नहीं दिया पत्र? अब वहाँ के लिए जरूर नहीं दिए हैं सर, लेकिन यहाँ जब सीओ, जनपद सीओ द्वारा वो दिया गया है, मतलब प्रतिवेदन ले दिया चुका है जिला पंचायत को, उसके बाद जूत भी सीओ ने ट्रांसफर नहीं किया जिला पंचायत सीओ। हम लोग कोई कार्रवाई करते हैं, हम लोग के यहाँ गल्ला पर्ची, हम लोग गरीब हैं, हम लोग के यहाँ अगर जमीन देखी जाए तो हम लोग को 2-2 एकड़ जमीन आती है और कोई ऐसा आदमी हम लोग को गल्ला पर्ची ना कुछ भी सिक्योरिटी द्वारा पैसा लिया जाता है। शौचालय का पैसा आज तक मुझे नहीं मिला है। कितना पैसा लिया जाता है सिक्योरिटी द्वारा? शौचालय के लिए 2,000 सिक्योरिटी द्वारा मांगा जाता है। पीएम आवास के लिए? पीएम आवास के लिए तो किस्त रखवा दी जाती है अगर पैसा नहीं दिया जाता। उनका इतना तो पैसा अगर देंगे तो काम होगा नहीं, नहीं होगा उनका पैसा, मतलब इस तरह अभी कोई ऐसा हो व्यक्ति की जिसकी किस्त रुक गई हो पैसे के वजह से? छोटा गरीब अगर जाना चाहता है सर कि उनके घर जाके सिक्योरिटी है, उनके घर जाके हम काम करवा लें, तो उनको दूर से डाल दिया जाता है, दूर चलो भगो यहाँ से। क्या समस्या आ रही सर? हम ग्राम पंचायत देवरा रामपुर बघेलान के सरपंच हैं। मेरा ग्राम पंचायत जिला सतनाम के अंतर्गत आता है। ये ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा समस्या है सचिव की, जो कि हम लोग कई बार इनके खिलाफ यहाँ से हटाने के लिए। सचिव कौन है यहाँ के? यहाँ के सचिव श्री भारतेंद्र सिंह परिहार हैं, जो स्थानीय हमारे ग्राम पंचायत से लगे गांव ग्राम पंचायत कुंड के हैं। इनकी अराजी भी हमारे गांव में है, आहरी बनी हुई है, तो यहाँ स्थानीय लोगों के ऊपर दबाव बना करके उनको नाजायज तरीके से उनका पैसा लिया जाता है और जो पैसा नहीं देते हैं उनके खिलाफ काम नहीं करते हैं, उनका काम जो है तो हटा देते हैं काम से और सारा काम जो है तो भेदभाव तरीके से काम करते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, और भुगतान हमारे यहाँ का पड़ा हुआ है, हमारे
जो यहाँ का चपरासी है उसका एक साल से वेतन मान नहीं दिया गया। हमारे रोड का भुगतान जो बनाई हुई है, पीसीसी रोड है, नाली है, टंकी है, टैंकर मरम्मत है, और अपने ग्राम पंचायत के कुछ और काम करवाए थे, मिट्टीकरण करवाए थे, वो मुरमा डलवाए थे, ये सब पैसा पड़ा हुआ है, आज तक उसका पेमेंट नहीं हो पाया ये सचिव के कारण। किसका संरक्षण है सचिव के ऊपर? इसका संरक्षण जो है तो यहाँ से जिला तक के है, जिला पंचायत तक इसका संरक्षण दे रहे हैं लोग, वहाँ के जो अधिकारी हैं इनसे पैसा लेकर के और उसको उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। जबकि हम ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, हमारे साथ जनता है, जनता के भेदभाव तरीके से काम किया जाता है, उनको आवास नहीं दिया जाता, उनकी पर्ची नहीं बनाई जाती, गरीबी रेखा में जो है तो उनका चयन नहीं किया जाता, ये सब काम रुके हुए हैं, जो आम जनता के हित की बात है वो सब नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको यहाँ से हटाकर कोई दूसरा सचिव नियुक्त किया जाए ताकि हमारे ग्राम पंचायत का विकास हो सके। अगर नहीं होता इसमें तो हम आंदोलन करेंगे, और इसमें अगर कुछ भी घटना होती है तो पूरी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन देखेगा। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।